हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज वन प्लस की तरफ से है। तो आज वन प्लस के सीईओ ने कहा है कि उन्होंने वन प्लस 8 सीरीज में अपनी फिफ्थ जनरेशन मैट फ्रोस्टेड ग्लास यूज की है और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि इस ग्लास की वजह से ये फोन बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। और सिर्फ ये फोन अच्छा ही नहीं दिखने वाला, इसकी वजह से ये फोन की ग्रिप भी बहुत अच्छी हो जाने वाली है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वन प्लस 8 सीरीज में नया कलर भी लॉन्च होने वाला है और ये कलर है ग्लेशियर ग्रीन। तो दोस्तों, क्या आप लोग वन प्लस 8 सीरीज के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज आईकू की तरफ से है। तो आज आईकू ने कंफर्म कर दिया है कि वो लोग आईकू नियो 3 23rd of April को लॉन्च करने वाले हैं। ये फोन पहले चाइना में लॉन्च होगा, फिर ये इंडिया में भी सून लॉन्च होने ही वाला है। उसके साथ साथ आज पता चला है कि इस फोन में स्नैपड्रैगन A65 का प्रोसेसर मिलने वाला है और इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले आने वाली है, बट ये डिस्प्ले LCD डिस्प्ले होने वाली है। तो दोस्तों, क्या आप लोग आईकू नियो 3 के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज एंड्रॉइड 11 के कुछ फोटोग्राफ्स लीक हो चुके हैं और उन फोटोग्राफ से ये पता चलता है कि एंड्रॉइड 11 में स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट का फीचर आने वाला है। ये फीचर हमें काफी सारे फोन्स में तो मिलता है, एग्जांपल Xiaomi, Samsung, OnePlus के फोन में ये फीचर दिया गया है, बट कुछ फोन में अभी भी ये फीचर नहीं दिया गया। इसके लिए एंड्रॉइड 11 में ये फीचर नया एड किया गया है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। अगली खबर ओनर की तरफ से है। तो आज ओनर ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि ओनर 30 में 40 वोल्ट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि ये फोन में ड्यूअल स्पीकर्स भी मिलने वाले हैं और ये फोन 15 अप्रैल को चाइना में लॉन्च होने वाला है। और इस फोन में सोनी का नया सेंसर मिलने वाला है जो कि है IMX700 और ये सेंसर है 50 मेगापिक्सल का। अगली न्यूज सैमसंग की तरफ से है। तो सैमसंग गैलेक्सी S20 कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ है और अब सैमसंग गैलेक्सी S21 के ऊपर कुछ लीक्स भी सामने आ चुके हैं और ये लीक से पता चलता है कि सैमसंग गैलेक्सी S21 सैमसंग का पहला फोन होने वाला है जिसमें वो लोग अंडर डिस्प्ले कैमरा देने वाले है। अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरे के साथ सैमसंग गैलेक्सी S21 लॉन्च होने वाला है और विवो एपेक्स पहला फोन था जिसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा सेंसर मिलता है, बट विवो ने विवो एपेक्स को शोकेस ही किया है, ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। तो शायद सैमसंग गैलेक्सी S21 पहला कमर्शियली अवेलेबल फोन बन जाएगा जिसमें अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा होगा। अगली न्यूज रियलमी की तरफ से है। तो आज रियलमी नार्जो 10 का लाइव फोटोग्राफ लीक हो चुका है जिससे ये पता चलता है कि इस फोन में वॉटर ड्रॉप नॉच मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस फोन में एंड्रॉइड 10 भी मिलने वाला है, 4GB की रैम भी मिलने वाली है और ये फोन रियलमी UI पर बेस्ड होने वाला है और इस फोन में मीडियाटेक हीलियो G80 का प्रोसेसर होने वाला है और ये फोन रियलमी जब लॉकडाउन खत्म होगा तब इसे जल्द से जल्द लॉन्च करने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो चलाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।